खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां शाहजहांपुर जिले के हरिद्वार कांवड़ लेकर जाते दो कांवड़ियों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही जबकि दूसरे के इलाज के दौरान मौत हुई। जिला शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर का रहने वाला 26 वर्षीय रजनीश शर्मा पुत्र हीरालाल कांवड़ लेकर बाइक के द्वारा हरिद्वार जा रहा था। रास्ते में उसने किसी अन्य साथी को भी अपने साथ बिठा लिया। रुड़की हरिद्वार रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने रजनीश की बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें रजनीश के साथ बैठे उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रजनीश को हरिद्वार के दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। YouTube पर खबर चलने के बाद परिजनों को पता चला कि रजनीश की मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई है। रजनीश के परिजन दून हॉस्पिटल पहुंचे तो रजनीश बेहोशी की हालत में था और उसका उपचार किया जा रहा था। रजनीश के परिवार वाले उसे उपचार के लिए बरेली लेकर आए। अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि रजनीश के साथ बैठा कौन था, उसका साथी कौन था और वो कहाँ से बैठा था। सानू जी। सानू, सानू कैसे घटना हुई, आपके कौन थे? मेरे भाई थे। कहाँ जा रहे थे, कैसे घटना हुई बताओ? वो हरिद्वार जा रहे थे कांवर लेके गाड़ी से, बाइक से, और वो दो आदमी थे, मतलब वहाँ से जो है आ रहे थे या पता नहीं जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और जो है मतलब वहीं ख़त्म हो गए। मेरे को नेट द्वारा पता लगा। कौन खत्म हुआ था? ये दूसरा बंदा ख़त्म हो गया था, इनका भी लापता बताया था, तो मतलब मैं वहीं से नेट द्वारा देख के मैं वहीं पे गया, ठीक है। फिर वहाँ से जो है कि मैं गाड़ी की, तो फिर मैं गाड़ी करके ले आया यहाँ पे बरेली ले आया। बरेली जो है मैंने भर्ती कराया, वहाँ पे उसने दम तोड़ दी इलाज के दौरान। कब घटना हुई थी? ये 23 तारीख में हुई थी। 23 तारीख में हुई थी। क्या करते थे? ये सिलाई का काम करते थे, पानीपत। क्या नाम था? रजनीश शर्मा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।